हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन विला। आज की वीडियो लंबी होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एकदम ही इजी तरीके से एकदम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें क्लियर करूंगी। आज मैं कहीं भी वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करूंगी कि हाँ ये चीज़ें ऐसे है तो आप कर लीजिए। आज हम पूरी चीज़ें हर चीज़ डिटेल में देखेंगे। एक तरीके से आप समझ लें कि ये लाइव वीडियो चल रही है। तो चलें स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि डायमीटर क्या होता है। जैसे कि अब ये एक ड्रेस है, ड्रेस को जब हम एकदम सेंटर से इस तरह से यहाँ से यहाँ तक मेज़र करते हैं तो ये हमारा डायमीटर है। जैसे कि इस ड्रेस का डायमीटर जो है वो 9 इंच है। दो चीज़ें कर सकते हैं आप कट करने के लिए, अगर आपको इस तरह का डायमीटर कट करना है, या तो आप इतने ही इंच लंबी प्लेट ले लें, कोई भी प्लेट लीजिए, आप उसके अंदर ऐसे ड्रेस रखिए, अगर आपके ड्रेस के बराबर है तो आप वो प्लेट ले सकते हैं। फिर उस प्लेट को आप बुकरम के ऊपर रखें, ऐसे मार्क करें और कट कर लें तो आपको सर्कल मिल जाएगा, आपका डायमीटर मिल जाएगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ से मेज़र करते हैं, ये जो 4 इंच आ रहा है ये डायमीटर, तो ये डायमीटर नहीं होता है। डायमीटर का मतलब ये होता है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, चाहे आप इसे सेंटर में कहीं से भी नापें, ये आपका 9 इंच होना चाहिए। तो मैंने आपको डायमीटर बता दिया। अब चले हम स्टार्ट करते हैं अपनी ड्रेस बनाना। तो ये देखिए ये बुकरम है, अगर मैं आपको बताऊँ तो मुझे 9 इंच का डायमीटर कट करना है। जितने भी इंच का डायमीटर कट करना हो उतने ही इंच लंबाई और चौड़ाई का पीस ले लीजिए बुकरम का। मुझे 9 इंच का कट करना है तो आपके सामने देखिए मैंने 9 इंच लंबाई चौड़ाई का ये बुकरम का पीस लिया है। अब आपको बता दूं ये जो बुकरम है आप देख सकते हैं इसमें एक साइड जो है काफ़ी अच्छी साइन है और एक साइड आप देख सकते हैं ये एकदम सादा सा है। तो जब हम प्रेस करते हैं तो ये साइन वाली जो साइड है वो हमारा अस्तर के ऊपर चिपक जाता है। तो आपको इस तरह की बुकरम लेनी है। अब बता देती हूँ सभी साइज के लिए, इसे मैं बना रही हूँ 4 नंबर के कान्हा के लिए। 4 नंबर के कान्हा के लिए मैंने 9 इंच डायमीटर रखना है, तो मैंने 9 इंच लंबाई और चौड़ाई का बुकरम का पीस लिया हुआ है। 0 साइज में आप 5 इंच लंबाई और चौड़ाई का बुकरम का पीस लें। 1 नंबर में 6 इंच, 2 नंबर में 7 इंच, 3 नंबर में 8 इंच, 4 नंबर में 9 इंच, 5 नंबर में 10 इंच, 6 नंबर में 11 इंच, 7 नंबर में 12 इंच, 8 नंबर में 13 इंच, 9 नंबर में 14 इंच और 10 नंबर में हम 15 इंच का डायमीटर रखने वाले हैं। अब देखिए कुछ लोग जिस भी टोकरी या जिस भी चीज़ में बैठाते हैं कान्हा को उसका डायमीटर बड़ा होता है, तो वो लोग अपने कान्हा की ड्रेस का डायमीटर बड़ा पहनाना पसंद करते हैं। और कुछ लोग का क्या होता है जो टोकरी होती है वो छोटी होती है। अब जैसे अगर 4 नंबर के उनके कान्हा हैं तो 4 नंबर का जो हमारा स्टैंडर्ड डायमीटर है वो 9 इंच का है, तो उनकी टोकरी क्या होती है 7 इंच की होती है। तो आप अगर आपकी टोकरी या जिस भी चीज़ में आप कान्हा जी को बिठाते हैं वो छोटे डायमीटर का है तो आप अपनी ड्रेस का डायमीटर छोटा भी कर सकते हैं। बस यहाँ पे कमर का जो साइज मैं आपको बताऊंगी, कमर का साइज आपको वही रखना है। चलिए हम अपना डायमीटर कट करते हैं। डायमीटर कैसे कट करना है, जितने भी इंच का डायमीटर चाहिए उतने इंच लंबाई और चौड़ाई का बुकरम का पीस ले लीजिए। मुझे 9 इंच का डायमीटर चाहिए, मैंने यहाँ पे 9 इंच लंबाई चौड़ाई का बुकरम का पीस लिया है। मैं इस तरह से इसे यहाँ पे ऐसे मोड़ूंगी, ये मैंने मोड़ दिया, ये देखिए ये अच्छे से हम बराबर करेंगे, कहीं से भी आपका इधर उधर से निकला नहीं होना चाहिए। अब हम इसे इधर से मोड़ेंगे, ये देखिए आप फिर से ये हमारा स्क्वायर शेप में आ जाएगा, ये मैंने मोड़ दिया, ये देख सकते हैं आप मैंने इसे फिर से मोड़ दिया। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए ये आपको यहाँ पे ऐसे 4 लेयर्स दिख रही हैं और एक साइड आपको ऐसे 2 लेयर दिख रही है और एक साइड आपको 1 लेयर दिख रही है। तो जिधर 2 लेयर दिख रही है और 1 लेयर है यही हमारा, यहीं पर हमारी कमर जो है वो कट होगी। अब 4 नंबर के कान्हा की कमर हम कितनी कट करेंगे, अगर आप 1 इंच के अंदर देखेंगे तो आपको टोटल 7 पॉइंट दिखाई देंगे। चौथे पॉइंट पे हमारा 1/2 इंच होता है, 5वें पॉइंट पे हमें कट करना है कमर। तो 5वें पॉइंट पे हम कैसे मार्क करेंगे, देखिए इस तरह से यहाँ पे मैं इसे 5वें पॉइंट पे रखूँगी और एक मार्क यहाँ पर लगा लूँगी। सेम चीज़ हमें इस साइड भी करनी है, 5वें पॉइंट पे रखिए और एक मार्क यहाँ पे लगा लीजिए। फिर यही चीज़ आपको सेंटर में भी करनी है, 5वें पॉइंट पे रखिए और एक मार्क आप यहाँ पे भी लगा लीजिए। अब इन्हीं तीनों मार्क को हम मिला लेंगे तो ये हमारे कमर का मार्क हो जाएगा। 4 नंबर के कान्हा के लिए मैंने यहाँ पे देखिए 5वें पॉइंट पे मार्क किया है। 0 साइज में आपको 3रे पॉइंट पे मार्क करना है, 1 और 2 नंबर पे आपको 4थे पॉइंट पे मार्क करना है जो कि हमारा 1/2 इंच है। 3 और 4 नंबर के लिए आपको 5वें पॉइंट पे मार्क करना है,
पांच नंबर के लिए आपको छठे पॉइंट पे मार्क करना है, जिसे हम 7.75 इंच भी कहते हैं। ये 1/2 इंच और 1 इंच के बीच में आता है। छह नंबर के लिए आपको 7वें पॉइंट पे मार्क करना है। 7 नंबर के लिए हमारा 8वां पॉइंट जो कि 1 इंच है, हम इस पे मार्क करेंगे। 8 नंबर के लिए हम 1 इंच के बाद वाले पॉइंट पे मार्क करेंगे, इसे हम 1.1 भी बोलते हैं। 9 नंबर के लिए हम दूसरे वाले पॉइंट पे मार्क करेंगे, जो कि हमारा 1 इंच और 1.5 इंच के बीच वाला पॉइंट है, इसे हम 1.25 इंच भी कहते हैं। तो 9 नंबर के काना के लिए हम यहाँ पे मार्क करेंगे 1.25 इंच पे, और 10 नंबर के काना के लिए हमें 1.5 इंच पे मार्क करना है। तो इस तरह से आप इसकी कमर का मार्क कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको यहाँ ऊपर का बताती हूँ कि कैसे कट करना है। अब यहाँ गोलाई पे मार्क लगाने के लिए हमें क्या करना है, किसी भी साइड से आप इसे इस तरह से मेज़र कर लीजिए। ये देखिए, ये मेरा पूरा का पूरा 4.5 इंच आ रहा है। आपका जितना भी इंच आए उतने पे आपको पूरे राउंड पे मार्क करना है। दूसरी चीज़ आपको बता देती हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने 9 इंच लंबाई चौड़ाई का बुकरम का पीस लिया, 9 इंच पे इस तरह से उंगली रखिए और इन टेप को ऐसे 9 इंच पे मोड़ लीजिए। ये देखें, ये आपका उतना ही इंच आ जाएगा। आप देख सकते हैं 4.5 इंच आ गया। मीन्स जितने भी इंच लंबाई चौड़ाई का बुकरम है उसके आधे पे हमें मार्क करना है। सबसे आसान तरीका यही है कि आप डायरेक्ट इसे मेज़र करिए, जितना भी आपका आ रहा है पूरे राउंड पे मार्क कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे पूरे राउंड पे मार्क करके दिखाती हूँ। इस तरह से हम एकदम 4.5 इंच को इस पॉइंट पे रखेंगे एकदम लास्ट में, और यहाँ तो आपका एकदम वही आएगा ही, बाकी आगे हम इसे इस तरह से ऐसे करते हुए मार्क करेंगे। और देखिए, कभी भी इंच टेप के ऐसे ऊपर मार्क नहीं करते हैं, इंच टेप के ऐसे ऐसे हम साइड में मार्क करते हैं। ऊपर मार्क करेंगे तो आपका ये बड़ा हो जाएगा। एक एक पॉइंट से हमारा अंतर पता चलता है। कोई भी चीज़ अगर आपको फिनिशिंग में चाहिए, एकदम आपका सही मेजरमेंट होना चाहिए। अगर आप बिगनर भी हैं तो भी आप ये वीडियो देखिए, ट्राई करिए, आप आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने मिला दिया। अब हम इन सभी पॉइंट को आपस में मिला लेंगे, ये इस तरह से करके। ये देखिए, यहाँ पे मैंने मिला दिया है। बस हमें इसकी यहीं पे कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने से पहले आप ऐसे अच्छे से टाइट अपने इस हाथ से टाइट इसे पकड़ लीजिए, फिर दूसरे हाथ से आप इसकी कटिंग शुरू करें। आप जिस भी हाथ से कट करते हो, सीधा उल्टा आप अपना देख लीजिए, बस इसे आपको अच्छे से टाइट पकड़ते हुए उसके बाद ही कटिंग करनी है, नहीं तो क्या होता है, ये स्लिप हो जाता है और हमारा इधर उधर कट हो जाता है। अब इसकी कमर भी कट कर देते हैं। कमर एकदम हमारी परफेक्ट शेप आएगा, ये इस तरह से। ये मैंने यहाँ पे इसकी भी कटिंग कर दी। ये आप देखें, एकदम प्रॉपर हमारा गोल सा आया है। अगर मैं आपको मेज़र करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, ये हमारा 9 इंच का डायमीटर आया। आप कहीं से भी मेज़र करेंगे, ये हमारा एकदम 9 इंच का डायमीटर आपको मिल जाएगा। अब चले हम इसे अस्तर के ऊपर प्रेस कर लेते हैं, तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ कि कैसे हम इसे अस्तर के ऊपर प्रेस करेंगे। अब देखिए, प्रेस करने के लिए मैंने यहाँ पे ये अस्तर लिया है। आप कोई भी अस्तर अपने हिसाब से ले सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। ये देखिए, ये इस तरह से अस्तर को हम यहाँ पे फैलाएंगे। फैलाने के बाद सबसे पहले तो आपको अस्तर को ही प्रेस करना है, ये इस तरह से करके, और अच्छे से जो भी आपके अस्तर में सिकन है वो सब आप हटा दीजिए। ये मैंने देखें यहाँ अस्तर को प्रेस कर दिया है। अब हमें क्या करना है, अपना ये हम बेस लेंगे और बेस को एकदम ऐसे देखिए, कहीं भी एक्स्ट्रा आपको नहीं रखना है, एक्स्ट्रा की ज़रूरत नहीं है हमें। ये इस तरह से हम करके इस पर प्रेस लगा लेंगे, ये ऐसे करके पूरे पे आपको अच्छे से प्रेस करना है, जिससे ये एकदम चिपक जाए इसमें। आप देखें, बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे हम इसे प्रेस करेंगे। अगर आप बिगनर भी हैं गाइस, तो भी मैं आपको बोलूँगी कि आप ज़रूर ट्राई करें अपने काना के लिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बनाने में। काफ़ी टाइम से मुझे कमेंट आ रहा था और धीरे धीरे लेट भी हो रहा था, जन्माष्टमी अब ज़्यादा दिन नहीं रह गई है और पहले बताना भी ज़रूरी होता है, जिससे आप सभी लोग ट्राई कर पाएँ इसे। पहले ट्राई करिए, कोई भी ख़राब फैब्रिक लेके उस पर भी आप ट्राई कर सकते हैं, नेट के फैब्रिक पर भी ट्राई कर सकते हैं। वैसे इसका रिजल्ट जो होता है वो अच्छा नेट के फैब्रिक से ही आएगा। नेट के फैब्रिक के लिए भी आप लोग बहुत बार बोलते हैं कि आप कौन सा फैब्रिक यूज़ करती हैं, बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप परचेज़ करना चाहें तो आप मुझसे परचेज भी कर सकते हैं। परचेज़ करने के लिए आप मुझे 7237862439 7287 24 39 पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं।
ये देखिए यहाँ पे ये प्रेस हो गया है, लाइट है नहीं, ये अच्छे से प्रेस नहीं हुआ है, प्रेस जितना गर्म था उतने से ही ये मैंने प्रेस कर लिया है। ये इस तरह से बिल्कुल भी बुकरम नहीं कट होना चाहिए आपका। यहाँ पे सिर्फ अस्तर का फैब्रिक जो एक्स्ट्रा है वो हमने कट कर देना है, ये ऐसे करके। ये हमने कटिंग कर दी, कटिंग करने के बाद हम इसे फिर से प्रेस लगाएंगे एक बार इस पे। ये मैंने यहाँ पे देखें प्रेस लगा लिया, लाइट आ गई है। अब देखिए अब ये फटाक से प्रेस हो जाएगा। इसे हम उलट पलट के अच्छे से प्रेस कर लेंगे। ये मेरा प्रेस हो गया है। अब हमें क्या करना है, इस तरह से ऐसे रखना है और जहाँ पे आपको रख के करना है वहीं जहाँ पे भी आपको रख के कट करना है वहीं पे भी रख के आप प्रेस लगा सकते हैं एक बार। ये देखिए हाफ इंच से थोड़ा सा अधिक ही मैं कट कर रही हूँ। इससे क्या होगा, अगर आप बिगनर हैं तो आपको सिलने में ईजी रहेगा। ये हमारे अस्तर पे कटिंग जो है वो हो गई। अब चलिए हम सिलाई मशीन पे चलते हैं, फिर आगे बताऊंगी क्या करना। अब चलिए हम इसे सिलते हैं। कैसे सिलना है पूरा आपको दिखाऊंगी, कहीं भी बिना स्किप के। देखिए इस तरह से हम अस्तर को मोड़ेंगे। सबसे पहले हमने अपना ऊपर वाला ही पीस जैसे रखा था प्रेस करते वक्त सेम वैसे ही है, इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। ये ऐसे करके ये अस्तर को यहाँ पर हमें ऐसे मोड़ते जाना है और इसे सिलते जाना है। एकदम इजी है गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से आप बना सकते हैं। आप जरूर ट्राई करें एक बार। ये देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब आप चाहें तो ये अस्तर का जो फैब्रिक है इसे कट करके हटा सकते हैं, या फिर आप एक सिलाई और लगा सकते हैं थोड़ा सा ऊपर से, ये ऐसे करके। तो ये इसी में हमारा ये सेट हो जाएगा। ये देखिए मैंने एक सिलाई और लगा दी। अब मैं निकाल लेती हूँ जिससे मैं आपको बता पाऊँ अच्छे से। सिलाई लगाने के बाद हमें क्या करना है, इसे हम मोड़ेंगे ऐसे सेंटर से। ये मोड़ के मैंने एक साइड देखिए मार्क बनाया, इसे हम ओपन करते हैं और इसे हम मार्क को डार्क कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, मार्क के हम इस साइड से सिलाई लगाएंगे, पूरे राउंड पर लगाएंगे और उतार लेंगे। चलिए लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमने रखा और ये सिलाई लगाई, सुई अंदर करेंगे और जब भी घुमाना हो तो सुई को अंदर कर लेते हैं। अब देखिए या तो आप धीरे धीरे सिलाई लगा के हाथ से ऐसे ऐसे इसे घुमा सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी दूर सिलाई लगा के भी इसे घुमा सकते हैं। देखिए मैं एकदम धीरे धीरे से सिलाई लगा के और इसे सिल दे रही हूँ, सुई फिर से अंदर जाएगी और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। ये इस तरह से यहाँ देखें ये धागा कम या छूटने की वजह से मेरी सिलाई नहीं लगी है, तो मैं इसे फिर से लगा लेती हूँ। अगर मैं आपको दिखाऊं पास से तो आप देख सकते हैं हमारे मार्क के दोनों साइड से जो है सिलाई लग गई है और यहाँ पे भी लग गई है। हमें इसे यहीं से कट करना है, ये मार्क पे से हमने कट कर दिया। कट करने के बाद यहाँ अंदर जो भी हमारा एक्स्ट्रा अस्तर का फैब्रिक है वो हमें कट करके हटा देना है। ये देख सकते हैं ये इस तरह से हमने कट करके हटा दिया। अब हमारे यहाँ पे जो अस्तर का बेस था वो रेडी हो गया है। अब हमारा आया है नेट के फैब्रिक का बेस। तो सबसे पहले मैं आपको नेट के फैब्रिक को फोल्ड करने का तरीका बताती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे पेपर लिया है, पेपर के ऊपर मैं आपको तरीका बताती हूँ फोल्ड करने का। ये मान लीजिए लंबाई है, अगर आप 2 मीटर लंबा फैब्रिक लेते हैं तो ये 2 मीटर की लंबाई है और ये जो हमारी 45 इंच 44 इंच अर जाती है वो है चौड़ाई। ये हमारी चौड़ाई हो गई, ये हमारी लंबाई हो गई। हमें लंबाई के साइड से फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। ये देखिए हमने एक बार फोल्ड किया ये इस तरह से, ये हमने दोबारा फोल्ड कर दिया, ये देखें इस तरह से। यहाँ पर हमने इसे 2 बार फोल्ड किया है, इसे हमें टोटल 3 बार फोल्ड करना होता है। ये देखें
तीन बार जब आप फोल्ड करके और फिर कटिंग करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ये देखिए मैंने तीन बार इसे फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद यहाँ यहाँ पे आप पिन लगा लीजिए, जिससे आपका पिन की हेल्प से सिक्योर हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसे फोल्ड करके और पिन लगा के रखा हुआ है। अब इसकी कटिंग जो है वो बहुत ईजी हो जाएगी। जब कटिंग करनी होगी तो हम पिन को निकाल के इस तरह से नीचे करेंगे, ये ऐसे करके, और अब हम इस पर अपना ये मेन जो हमारा बेस है उसे हम रखेंगे। ये जो जिस साइड हमने कट किया है वही साइड हमें यहाँ पे रखनी है। आप देख सकते हैं ऊपर से भी हमारा नेट का फैब्रिक थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है। हम यहाँ इसे नीचे से हाफ इंच एक्स्ट्रा रखते हुए कट कर लेंगे। ये देखें एक बार हमने कट किया, अब हम इसी पीस को फिर से इसके ऊपर रखेंगे और रख के हमने दोबारा कट कर लिया और फिर से हम इसी पीस को रखेंगे इसके ऊपर और हम यहाँ पे इसे तीन बार कट करेंगे। टोटल थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, जिससे हमारा बेस जो है वो बहुत खूबसूरत लगेगा। ये हमने यहाँ पे तीन बार कट कर लिया है, 45-45 इंच का तीन पीस। अब मैं इसमें से आपको एक पीस खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा एक फोल्ड खुला, ये हमारा दूसरा फोल्ड खुला और ये देखिए ये हमारा तीसरा फोल्ड खुला। टोटल तीन फोल्ड यहाँ पे था, तीनों मैंने खोल दिया। सबसे पहले हम इसमें से एक चोली निकाल लेते हैं। तो चोली की लंबाई कितनी रखनी है, जितनी भी आपका डायमीटर होगा उतने ही इंच की लंबाई रखनी है। 9 इंच का डायमीटर है तो मैं इस तरह से इसी फैब्रिक को यहाँ इसके ऊपर रखूँगी और हम कट कर लेंगे। बहुत हल्का सा एक्स्ट्रा रख के मैंने कट किया है, सिलने में हमारा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो उसे हम सेट करते हैं। अब इन बचे हुए पीसेस से हम इस पर अपना फ्रिल बना के लगाने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको फ्रिल बनाना बताती हूँ। ये एक एक पीस हमारा 45-45 इंच का है, तो 45-45 इंच का दो पीस मैंने पूरा लिया है और एक में से मैंने 9-9.5 इंच के करीब में फैब्रिक कट करके निकाल लिया है। तो इतने पीस से हमारा इस पर टोटल घेर जो है वो लगने वाला है। तो चलिए लगाती हूँ, फिर मैं आगे आपको नेफा भी कट करना बताऊँगी। अब देखिए कैमरे का एंगल मैंने चेंज कर लिया है, जिससे मैं आपको प्लेट बना के दिखा पाऊँ। तो हमें क्या करना है, अपना ये नेट का फैब्रिक लेना है और इसे हम कैसे प्लेट बनाएंगे देखिए, ऊपर और नीचे हम दोनों साइड से पकड़ेंगे। बताती हूँ आपको, ये देखें ये इस तरह से हमें ऊपर नीचे पकड़ के पहले मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद हम इस तरह से ऐसे इसके ऊपर चढ़ाएंगे। ये देखें ये ऐसे ऊपर नीचे दोनों साइड से मैं पकड़ के चढ़ा रही हूँ, आप देख सकते हैं ये ऐसे करके, ये इस तरह से मैंने यहाँ पे 3-4 प्लेट बनाई है और नीचे से भी छोड़ना नहीं है, ऊपर से भी छोड़ना नहीं है। यहाँ पे हम सिलेंगे इसे, ये मैंने सिलाई लगाई, सिलाई को लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद अब देखिए जो ही हमारी लास्ट प्लेट स्टिच हुई, सुई हमारी इस तरह से अंदर चली गई। अंदर जाएगी तो अगर आप पीछे से उठा के इसे खींचेंगे भी तो ये इधर उधर नहीं होगा, निकलेगा नहीं। फिर से हम देखें पीछे से उठा के और इस तरह से यहाँ पे प्लेट बनाना स्टार्ट करेंगे, ये ऐसे करके एक दूसरे के ऊपर हमें चढ़ाते हुए एकदम एक बराबर प्लेट बनानी है। लगभग 1/2 इंच मैं चौड़ाई ले रही हूँ प्लेट की, आप देख सकते हैं। अगर आप बिगनर भी हैं तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आपको फील हो कि इधर से बहुत ज़्यादा सरक के निकल जाएगा तो आप यहाँ पे अपनी सिलाई लगा लें। अब उसमें आप चाहे 2 प्लेट बना पा रहे हैं, चाहे 3 प्लेट, चाहे 4 प्लेट। अब देखिए लास्ट प्लेट है हमारी स्टिच हुई, सुई इस तरह से अंदर गई, अगर पीछे से उठा के खींचेंगे तो निकलेगा नहीं हमारा। अब ये बचे हुए पीस से हम अपनी प्लेट जो है वो फिर से बना लेंगे। ये देख सकते हैं हमारी प्लेट बन गई, लास्ट प्लेट हमारी जो है स्टिच हुई, सुई हमारी अंदर गई। अब हम अपना दूसरा पीस लेते हैं और फिर से हम प्लेट बनाएंगे, ये इस तरह से करके, ये देखें ये हम फिर से सेम तरीके से प्लेट बनाएंगे। ऊपर नीचे दोनों साइड से हमें पकड़े रहना है इसे, प्लेट को छोड़ना नहीं है और ऐसे करके हमें प्लेट बनाते चले जाना है। देखिए ऊपर नीचे दोनों साइड से मैंने पकड़ा, इसे हम यहाँ पे ऐसे नीचे करेंगे, पीछे से आप उठाइए और यहाँ पे इसे एकदम बराबर में सेट कर दीजिए। सेट करने के बाद हम इस पर सिलाई लगाएंगे, फिर से हमारी लास्ट प्लेट स्टिच हुई, सुई हमारी अंदर चली गई। ये देखिए ये अरमान नेट का फैब्रिक होता है, ये मैं जो यूज़ करती हूँ, साइन होती है इसमें। आपको मेरे पास इसमें कई सारे कलर मिल जाएंगे। और एक चीज़ और क्लियर कर दूँ गाइस, ये जो सेल मैं करती हूँ ये 1-2 महीने ही चलती है,
काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि पूरे साल आपको मैसेज करती हूँ, आप रिप्लाई नहीं करते हो, तो पूरे साल सेल चलती ही नहीं है। जो पुराने व्यूअर हैं उनको पता है ये सारी चीज़ें, तो मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया। तो आप में से जिनको भी नेट परचेज करना हो वो आप अभी ही परचेज कर सकते हो, पूरे साल आपको नहीं मिल पाएगा। ये देखिए, ये मैंने सिल दिया, ये सुई हमारी अंदर चली गई लास्ट स्टिच के बाद। इस तरह से फिर से हम अपना प्लेट बनाएंगे। ये देखिए, ये मैंने फैब्रिक लिया, ये इस तरह से रखेंगे। ये तीसरा पीस है मेरा, देखिए मैं आपके सामने ही बना के लगा रही हूँ, कहीं कुछ स्किप नहीं करूँगी, कट नहीं करूँगी, जिससे आपको एकदम क्लियर और अच्छे से समझ आए। ये देखिए, ये इस तरह से हम यहाँ पे हैवी सी प्लेट बनाएंगे। प्लेट बनाने के बाद दोनों साइड से पकड़िए और यहाँ पे हम लगा देंगे। तो लाइट जो है वो चली गई है, मैं इस प्लेट को और अंदर करके अभी के लिए दबाती हूँ, अभी लाइट आएगी तो फिर मैं आपको इसे समझाऊंगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पे क्या किया था, दो पिन लगा दी थी जिससे ये हमारा ना नीचे से सरके ना ऊपर से। अब मैं ये पिन हटा देती हूँ और इसे हम सिल लेते हैं। ये देखिए, अपनी प्लेट हमारी जैसे थी हम वैसे कर लेंगे, बहुत ज़्यादा आपको पास पास भी नहीं कर देना है प्लेट्स को। और ये देखिए, ये इधर से आ रहा है तो मैं इसे कैंची से इधर कर लेती हूँ। कभी कभी क्या होता है, इसका पिछला हिस्सा जो होता है वो ऐसे ही आगे आके सिल जाता है, क्योंकि हम घनी प्लेट बनाते हैं एकदम। आप देखें, ये ऊपर और नीचे दोनों साइड से पकड़ा और सिलते चले जाना है। वीडियो ये लंबी होगी, बट अगर आप एक बार पूरी वीडियो देख लेंगे तो फिर आपके लिए बेस की जो प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। ये देखिए, मैंने यहाँ पे रखा और इसे हम सिल देंगे। लास्ट में भी अपनी सिलाई को लॉक कर दीजिए। बस ये हमारा इतना काम हो गया है। अब हमें क्या करना है, अपना बेस लेना है और हम मेज़र करेंगे। क्या मेज़र करना है मैं आपको बताती हूँ। ये जो आपने सिला है इसकी कमर को मेज़र करना है, ये यहाँ पे हम रखेंगे और देखिए ये इस तरह से करके हमें नापना है कि ये हमारी कमर पूरी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आप देख सकते हैं ये हाफ इंच के करीब में कम आ रही है। इसके लिए हमें क्या करना है, इसे हम हल्का सा ऊपर करके और ऐसे सिल लेंगे जिससे हमारी ये पूरी कमर आ जाएगी। चलिए सिल के दिखाती हूँ। अब ये देखें क्या मैं ऊपर करने के लिए कह रही हूँ, इसकी जितनी भी लंबाई है वो हम इस तरह से रख के ऐसे ना सिल के इसे हल्का सा ऊपर करके सिल देंगे। आप देखें, ये हाफ इंच हमारा नेट का फैब्रिक बुकरम वाले बेस से ऊपर है, हाफ इंच से थोड़ा सा कम। बस यहाँ पे हम रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले इसी हिस्से पे हमें सिलाई लगानी है। ये मैंने यहाँ पे देखें सिलाई जो है वो लगा दी है। अब बुकरम के लास्ट हिस्से पे आते आते सुई अंदर जाएगी और इसे हम देखिए पूरे पे हमें ऐसे ही करना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ से बहुत ऐसे खींच के सिल देते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे प्लेट नहीं आती स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग वाली प्लेट का ध्यान देंगे और यहाँ पे हम हल्का सा ऐसे दबा के सिलेंगे, ये ऐसे करके। अब देखिए सुई हमारी अंदर गई, जब भी घुमाना हो इसे सुई अंदर जाएगी और ये आपको अपने सर्कल से ऊपर ऊपर ही सिलना है थोड़ा थोड़ा। देखिए जरूरी नहीं है कि फर्स्ट टाइम जब आप सिल रहे हैं तभी आपका पूरा अच्छे से बुकरम पे सेट हो जाए। एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूं, जब आप यहाँ पे सिलाई लगा रहे हैं तो जहाँ भी है आपकी सिलाई वहाँ के एंड वाले फैब्रिक को देखें कि आपका बुकरम से बाहर होना चाहिए। ये नहीं कि आपने बुकरम के ऐसे फैब्रिक को खींच के बुकरम के ऊपर कर दिया, फिर तो आपका नीचे से कम हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना होता है। कुछ लोग ये भी गलती कर देते हैं, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि हम फैब्रिक को अपने हाफ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे जिससे हमें इस तरह की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ये ऐसे करके हम इसे सिलेंगे और सिलते हुए देखिए एकदम लास्ट में आ गई हूँ, तो यहाँ वाले फैब्रिक को भी अच्छे से ऊपर उठा के हमें सिलना, ये ऐसे करके। ये देखिए, ये अब पीछे वाला सर्कल तो हमें आगे से दिखाई नहीं देगा, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारा अच्छे से सेट हो ही जाए। अब देखिए नीचे ये जो प्लेट आ रही हैं इन्हें हमें सेट करना है, ये ऐसे करके। अब एक साइड खुले वाले हिस्से से हमने स्टार्ट किया था, दूसरे साइड खुले वाले हिस्से पे हम इसे ऐसे सेट कर देंगे। अब देखिए लास्ट में जब आएंगे सुई अंदर जाएगी और इसे घुमा लीजिए। घुमाने के बाद आप देखेंगे कि आपकी प्लेट अपने आप ही पूरी सेट है। मैं थोड़ा सा इसे पीछे करके आपको अच्छे से दिखाती हूँ।
ये देखें, ये पूरी प्लेट लगभग हमारी सेट आपको समझ में आ रही होगी। बस क्या होता है, कुछ कुछ प्लेटें हमारी एक दूसरे के अंदर चली जाती हैं, वही हमें हल्का सा हाथों से सेट करना होता है। और ये पूरा का पूरा कमाल हमारे नेट के फैब्रिक का है, इसमें हमारे स्टिचिंग और उसका कोई वो नहीं है। प्लेट हमने वैसे भी हल्की बराबर बराबर ही डालनी है। ये देखिए, जब आपकी भी आदत हो जाएगी तो आपका अपने आप बराबर प्लेट बनने लगेगा। ये देखिए, ये जहाँ पे हमने ज्वाइंट किया था ये वो वाला हिस्सा आप देख सकते हैं, तो इसे ज्वाइंट को आपको पूरा पूरा इसके अंदर डालना है, जिससे आपका ज्वाइंट वाला बिल्कुल भी दिखाई ना दे। ये इस तरह से करके हमने इसे सेट करना है, और इस पे आप ऊपर की साइड ऐसे हाथ रखिए और नीचे से देखिए बराबर देखते हुए कि हाँ प्रॉपर बुकरम पे ही सिलाई चल रही है। आपको ऐसे सिलाई लेके आना है, जब भी आपको सिलाई रोकना है सुई अपनी अंदर कर लीजिए, क्योंकि ये इधर उधर घूमेगा तो फिर वो सिलाई में से नहीं, सिलाई स्टार्ट होने की वजह से मतलब फिनिशिंग नहीं समझ में आती है, अच्छे से देख के नहीं अच्छा लगता है। बाकी तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये ऐसे करके हम यहाँ पे सारी प्लेट सेट कर देंगे। एकदम इजी है गाइस, आसानी से आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए, ये ऐसे करके, अभी तो ये मैंने कुछ फैब्रिक नहीं लिया था, जब हमारी हैवी वाली ड्रेसेस बनती हैं एकदम, तो उसमें मैं थोड़ा और फैब्रिक यूज़ करती हूँ, जैसे कि देख के वो और खूबसूरत लगती हैं ये ऐसे। बट अगर आप बिगनर हैं तो आप ज़्यादा फैब्रिक ना यूज़ करें। ये देखिए, मैंने सिल दिया। अब सिलने के बाद मैं आपको इसका पीछे का हाल दिखाती हूँ। आप देखिए, मैंने यहाँ पे सिलाई लगाई है, बट मेरी कमर यहाँ पे आप देख सकते हैं आई थिंक छूटी हुई है। ये देखिए, नहीं सिली है, बट कभी कभी छूट जाती है यहीं से। छूटे या सिले, आपको क्या करना है, एक बार पूरे पे फिर से सिलाई लगा लीजिए। यहाँ से सिलाई स्टार्ट करिए, पूरे राउंड पे लगाइए, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, और जहाँ से स्टार्ट करेंगे आप वहीं पे आपको आके रुक जाना है। तो चलिए सिलती हूँ ये इस तरह से। ये एकदम किनारे किनारे से करके हम इसे सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने सर्कल पे सिलाई लगा दी है, और अब हम इधर के पे लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमारी सिलाई थोड़ी सी छूटी हुई है, बट कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए मैंने बोला कि सिलाई आपको छूटी रहे या ना रहे पूरे पे ऐसे लगा लेनी है। ये ऐसे करके, ये देखिए, धीरे धीरे करके अपनी सिलाई को चलाएंगे, जिससे राउंड पे घुमाने में प्रॉब्लम ना हो। ये मैंने यहाँ पे सिला, अब हम यहाँ से सिलाई को उतार लेंगे। ये हमारा नेट एकदम परफेक्ट इस पर लग चुका है। यहाँ से जो भी अब एक्स्ट्रा नेट दिख रही है वो हम कट करेंगे। कटिंग करते वक्त आपको ध्यान देना है, आपका अस्तर बिल्कुल भी कट नहीं होना चाहिए। हमने अस्तर को काफ़ी अच्छे से फोल्ड करके लगाया है, तो अस्तर ही अगर आप काट देंगे तो फिर आपका डबल अस्तर लगाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ये ऐसे करके हम इसे कट कर लेते हैं। अगर आप बिगनर भी हैं गाइस तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ज़रूर ट्राई करें अपने कान्हा के लिए। ये देखें, और काफ़ी सारे लोग ये पूछ रहे थे कि क्या हम कम का ऑर्डर कर सकते हैं, तो ये सारे कोई डिसिप्लिन नहीं है कि आप ये ऑर्डर नहीं कर सकते हैं। आपको जितने का मन हो आप उतने का ऑर्डर कर सकते हैं। बस कम का ऑर्डर करने पे क्या होता है, आपको डिलीवरी चार्ज पे करना पड़ता है। डिलीवरी चार्ज देखिए आपको पे करना ही है, तो बस उसी में अंतर पड़ता है आपके। ये देखें, अब आप 90 रुपये डिलीवरी चार्ज पे करके चाहे तो 1 मीटर फैब्रिक मंगाएं और चाहे तो 5 मीटर मंगवाएं, वो आपके ऊपर है। हर जगह का डिलीवरी चार्ज अलग अलग है, बस मैंने एग्जांपल के लिए ऐसे 90 रुपये बोल दिया। आप देखें, ये इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर दिया। ये अभी ही आपको देखिए कितना फिनिशिंग समझ में आ रही होगी, बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। पूरा काम मैंने आपके सामने किया। अब चले मैं आपको इस पर नेफा लगाना बताती हूँ, वो भी एकदम डिटेल में बताऊँगी। अब देखिए, नेफा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये चारकोन सा फैब्रिक लिया है। आप देख सकते हैं प्रॉपर हमारा स्क्वायर शेप में है। हम इसमें से अपने नेफे का फैब्रिक कट करेंगे। नेफा कट करने के लिए कैसे करते हैं, हम तिरछी कटिंग करते हैं। नॉर्मल अगर देखिए हमने पट्टी कट की तो ऐसे सीधा सीधा कट किया इसमें से, बट यहाँ पे नेफा कट करना है तो हम देखें ऐसे एक किनारे से दूसरे किनारे पे कट करते हैं। ये सबसे आसान तरीका है। अगर आपको एकदम अपना एग्जैक्ट अच्छा सा चाहिए और एक पट्टी, तो आप ऐसे कट करें। अब यहाँ से आपको 2 इंच चौड़ा, 3 इंच चौड़ा, जितने इंच चौड़ाई का चाहिए आप कर सकते हैं। मैं यहाँ लगभग 2 से 2.5 इंच इसकी चौड़ाई जो है वो रख रही हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पे कटिंग कर दी। कटिंग करने के बाद इसकी कोई भी एक साइड आप ऐसे बराबर कर लीजिए, और बराबर करने के बाद हम अपनी सिलाई जो है वो स्टार्ट करेंगे। कैसे सिलना है,
ये देखिए ये इस तरह से मोड़ा, मोड़ने के बाद हमने एक बार और मोड़ा और हम पीछे की साइड से लगाएंगे ये यहाँ इस तरह से। ये देखिए ये ऐसे करके ये हम सिलेंगे। चलिए कैमरे की सेटिंग थोड़ी सी इसका एंगल चेंज करती हूँ फिर आपको अच्छे से दिखेगा। अब देखिए कैसे सिलना है। सबसे पहले थोड़ा सा सिल के सिलाई को लॉक कर दीजिए। ये हमने यहाँ पे सुई को अंदर कर दिया। जब भी आपको पीछे से उठाना हो तो सुई आपकी अंदर होनी चाहिए। अब देखिए ये डबल है हमारा फैब्रिक, आपको ध्यान देना है कि आप एक नेट का फैब्रिक नहीं सिल सकते, आपको डबल सिलना है, दोनों आपका सिलना चाहिए। हम इस तरह से इसे हल्का सा घुमाएंगे, पीछे से हम रखेंगे और फिर से सिल देंगे। थोड़ा सा सिलते ही सुई हमारी अंदर जाएगी, फिर हम इसे घुमाएंगे और फिर हम इसे सिल देंगे। फिर हमारी सुई अंदर गई, फिर हमने इसे घुमाया और फिर से हमने इसे सिल दिया। फिर से देखें सेम चीज़ हमें बार बार रिपीट करनी है। जब भी आप सर्कल पे सिलाई लगाएं तो आप लंबी सिलाई एक बार में नहीं लगा सकते हैं। आप जितने ही टुकड़े टुकड़े में सिलाई लगाएंगे उतनी ही अच्छी आपकी फिनिशिंग आएगी। आप देख सकते हैं मेरा डबल फैब्रिक प्रॉपर सिलता हुआ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ये इस तरह से हमें सिल लेना है। ये देखें अब लास्ट में जब आएंगे तो सिलाई को लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद हम थोड़ा सा आगे तक इसे सिल के निकालें। ये देखिए मैंने सिल दिया। सिलने के बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है फैब्रिक इसे हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा रख के बाकी का कट कर देंगे। अब देखिए जब आप इस तरह से सिलेंगे तो आपको यही पीछे से ही दिखेगा कि देखिए ये नेफा हमारा खड़ा हो गया। अगर आपका इस तरह से खड़ा हो तो समझ जाइए कि आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आने वाली है। सीधी साइड लेके आएंगे, ये पूरा फैब्रिक हम निकाल लेंगे। ये 2.5 इंच चौड़ाई थी नेफे की, आप 3 इंच भी रख सकते हैं, आपके ऊपर है। ये देखिए हमने जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा था वो है, वो हमें ऐसे मोड़ लेना है अंदर की साइड। वो मोड़ने के बाद हम इसे ऊपर से भी थोड़ा सा मोड़ेंगे, हल्का सा। हमने यहाँ पे ये रेडीमेड डोरी ली है, डोरी को रखना है और पलट के हमें सिलना है। ये हमने पलट दिया। अब देखें कैसे सिलेंगे, ये इस तरह से रखिए और सिलाई लगा दीजिए। यहाँ पे सिलाई लगाते वक्त आपको ध्यान देना है कि स्टार्टिंग और एंड में अपनी सिलाई को लॉक जरूर करें, ये ऐसे करके। अब देखिए यहाँ पे भी घुमाना है हमें तो सुई हमारी अंदर जाएगी, अंदर जाए फिर पीछे से उठाइए, डोरी को अंदर डालिए और ये चीज़ ऐसे करके बराबर अपना खड़ा कर लीजिए जो पीछे से नेफा आ रहा है। हल्का सा हमने मोड़ा है स्टार्टिंग में तो हल्का सा ही हमें पूरे पे मोड़ना है ऐसे करके और फिर हम इस पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे सिलाई लगाते वक्त आपको ध्यान देना होता है कि डोरी के ऊपर से आपको सिलाई नहीं लगानी है। जहाँ पे भी आपको सर्कल में घुमाने में प्रॉब्लम हो वहाँ पे आप सुई अपनी अंदर करिए और फिर इसे उठा के घुमा लीजिए। ये देखें ये इस तरह से सिलेंगे, सुई फिर से हमारी अंदर गई और हमने घुमा दिया, एकदम अच्छी सी फिनिशिंग आएगी आपकी। अगर आप इस तरह से सिलते हैं तो आप देखेंगे खुद ही कि कितना आराम से ये हमारा स्टिच हो जाता है। ये देखिए हमने सिल दिया। अब हमारा लास्ट का आ गया है, ये हमने मोड़ देना है और मोड़ने के बाद इसे भी हम सिल देंगे। सुई हमारी फिर से अंदर गई और ये हम सिलते हुए लास्ट तक आ गए। अब देखिए यहाँ पे सिलाई को लॉक कर देंगे, ये ऐसे करके हमने लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद कट कर लेना है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये डोरी हमारी सरक रही है इधर की इधर और इधर की इधर, डोरी को हमें नहीं सिलना होता। आप देखिए एकदम प्रॉपर गोल सा हमारा ये आया है। अभी मैं आपको अच्छे से सामने से दिखाऊंगी, उसके पहले हम चोली रेडी कर लेते हैं। तो चोली वाला पीस हमने ऑलरेडी कट करके रखा है, इसे हमें क्या करना है, एक बार यहाँ से मोड़ा, एक बार यहाँ से मोड़ा, फिर हम एक दूसरे के ऊपर मोड़ के इस पर सिलाई लगाएंगे। ये देखें ये इस तरह से रख के हमें सिल लेना है, ये ऐसे करके, एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इसे सिलने में। ये हमने सिलाई जो है वो लगा दी। अब हमें इस पर अपनी लेस अटैच करनी है, तो मैं गोटा पट्टी वाली लेस अटैच करती हूँ चोली पे। आपने पहले भी देखा होगा जो ड्रेसेस जाती हैं हमारी सेल में, सब में ऐसे ही चोली होती है। ये इस तरह से हम इसी के ऊपर सिलाई के ऊपर लगाएंगे। आप चाहें तो सिलाई और अपनी लेस एक साथ कर सकते हैं, दो बार सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ऐसे करके हमें इसे सिल देना है, ये हमने सिल दिया।
सिलने के बाद कट करेंगे, यहाँ से भी कट करेंगे और लेस में से हम अपने डोरी के लिए भी कट कर देंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, अपने इस पीस को हम ऐसे मोड़ेंगे, मोड़ने के बाद जिस साइड हमारी लेस नहीं लगी है उस साइड हम इसे सिलेंगे। थोड़ी दूर हमें तिरछा सा सिलना है। ये हमने सिला, सिलाई को लॉक कर दिया, बस कट कर देंगे। कट करने के बाद यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा धागा वगैरह है वो आप कट करके हटा दीजिए और यहाँ से आप इसे कट करके अलग कर दीजिए। अब देखें हम इसे खोलेंगे, ये दोनों साइड का हम ऐसे मोड़ लेंगे, दोनों तरफ हमने कर दिया इसे। अब अपनी हमें डोरी लेनी है और डोरी को रख के यहाँ पे सिल लेना है। ये आपको दिखा देती हूँ इस तरह से। सिलाई को मैंने यहाँ पे भी लॉक किया है अच्छे से, ये हमने यहाँ पे कटिंग कर ली। अब अगर आपको थोड़ा भी इसमें रफ कुछ दिख रहा है तो उसे आप कट करके हटा सकते हैं। तो ऊपर से तो मेरा सही है, बस नीचे से मुझे थोड़ा सा रफ लग रहा था तो मैंने कट कर दिया। यहाँ पे हमारी चोली भी रेडी हो गई है। तो मैंने आज आपको बेस और चोली दोनों बनाना एकदम आसान तरीके से बताया है। अब देखिए गाइस आप बेस देख सकते हैं, फिनिशिंग इसमें देखिए कितनी अच्छी है, कमर की भी फिनिशिंग देखें काफ़ी अच्छी है और हमारे बेस की जो फिनिशिंग है वो तो अच्छी है ही। पीछे से भी आपको फिनिशिंग मिलेगी और फ्रंट पार्ट से भी। यहाँ पे आप चोली भी देख सकते हैं, बैक से भी मैं आपको दिखा दूँ, कहीं पर यहाँ पर आपको फैब्रिक निकला हुआ नहीं दिखेगा क्योंकि हमने अपना डबल फैब्रिक काफ़ी अच्छे से इस पर स्टिच किया है तो हमारा बहुत अच्छे से लग चुका है। चलिए कान्हा को पहना के दिखाती हूँ। चार नंबर के ये काना है, चार नंबर के लिए हमने बनाया है, चार नंबर को ही पहना के दिखाती हूँ। काफ़ी सारे लोग चार नंबर का जो घेर होता है वो तीन नंबर को भी पहना लेते हैं, तो तीन नंबर को भी आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। मेरे पास सभी सेट के काना है तो तीन नंबर में भी आप बना सकते हैं। वैसे इस तरह का बेस बनाना मैंने आपको 0 से लेकर 10 नंबर तक के काना का बताया है। आप किसी भी साइज का सर्च करें, जैसे अगर आपको 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए चाहिए तो आप यूट्यूब पे लिख के या बोल के सर्च कर सकते हैं लड्डू गोपाल जी के हैवी पोशाक का बेस कैसे बनाएं। 5 नंबर के लिए चाहिए तो आप बोलिए या लिख लीजिए कि 5 नंबर लड्डू गोपाल जी की हैवी पोशाक का बेस कैसे बनाएं बाई अमृति फैशन विला, बाई अमृति फैशन विला आप बोलेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आप किसी भी साइज में बना सकते हैं। इस वीडियो में मुझे कटिंग से लेकर स्टिचिंग तक हर चीज़ दिखानी थी तो मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर कर दी, जिससे अगर किसी को चाहिए तो उसको नेफा भी मिल जाए, कटिंग भी मिल जाए, स्टिचिंग भी मिल जाए। हम इसे बांधेंगे कैसे, ये जो देख सकते हैं डोरी दोनों साइड की है, ये हम ऐसे एक्सचेंज कर लेते हैं। एक्सचेंज करने के बाद हम इसे पीछे की साइड में बांध देंगे, ये ऐसे करके। ऐसा नहीं है कि ये बहुत खींच के बांधी जाती है तो ही इसकी फिटिंग अच्छी आएगी, टाइट होगी तो ही फिटिंग अच्छी आएगी। बड़े साइज के काना की होगी तो फिटिंग अच्छी नहीं आएगी, छोटे साइज में ही फिटिंग अच्छी आएगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इस पे कोई भी डेकोरेशन करेंगे, कुछ भी लगा सकते हैं लेस वगैरह, तो भी आपका बेस जो है ऐसे पीछे से खड़ा ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि गिरेगा। और ऐसा नहीं है कि मंदिर में पीछे से सपोर्ट है तभी आप इसे बना सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, एकदम डिटेल में मैंने आपको समझाया है। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए अब मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।